अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, समझ आ गया तो एकदम अच्छे से बन जाएगा, नहीं आया तो सदमा हो जाएगा। आपको एक मैं इमेजिनरी क्वेश्चन देता हूं, जो आप एक बार में देख के आंसर बता दोगे। सपोज करो आपको कुछ लोगों की एज दी हुई है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 7, 21, 9, 2। आप बताओ तो इसका मोड क्या है, इसका मोड क्या है बताओ, मोड क्या है बताओ फटाक से, इसका मोड क्या है, चैट में बोलो फट से क्या मोड है इसका। ये देखो आप एक बार में देख के बता पाए, आप बोले सर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो वैल्यू अपना क्या हो गई, मोड हो गई, तो 15 अपना मोड हो गया, ये आपने एक बार में देख के बताया। तो अपन ऐसे क्वेश्चन बनाते आए हैं। सपोज करो क्वेश्चन को मैं बदल देता, आपको एज दी हुई है 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, और आपको बोल रहा है फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 6 ईयर, 7 ईयर, 21 ईयर, 9 ईयर, 2 ईयर, 21 ईयर, 4 ईयर। अब क्या करोगे? अब तो दिक्कत यह है कि ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये दो वैल्यूज के सामने है, 15 के सामने भी है, 30 के सामने भी है, तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि हमारा मोड क्या है? यहां पे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। क्यों कंफ्यूजन हुआ? बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, रिपीट हुई, तो यहां पर आप नहीं बता सकते ना कि मोड आपका 15 है कि 30 है। आपको मेरी बात समझ आ रही है, हो क्या रहा है? जैसे क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप बोल देते हो यार ये वैल्यू हमारा मोड है, बात खत्म। लेकिन अगर सपोज करो हाईएस्ट वैल्यू रिपीट हो जा रही है, दो बार आ गई, आप कैसे बताओगे कि मोड क्या है? कंफ्यूजन आएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? अब क्वेश्चन को देखो, अच्छे से सीखो, एक बार में सीखना, मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक? 50, अब सुनो क्या करना है इसमें। अपने अपन यहां क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मोड, ठीक है? और अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वैल्यूज दी अपने को, यही वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 6 दिया है, 7 दिया है, 21 दिया है, 9 दिया है, 2 दिया है, 21 दिया है और 4 दिया है, और आपको बोल रहा है यार इसका मोड निकालो। अब हमारे सामने अगर एक बड़ी फ्रीक्वेंसी होती हम बोल देते कि उसके सामने वाली वाली मोड है, लेकिन ये तो रिपीट हो रही है बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो क्या किया जाए? तो मैं जैसे बना रहा हूं आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाओगे। आपको यहाँ 6 कॉलम लेने होंगे, फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट कॉलम है, आप 6 कॉलम लो, फ्रीक्वेंसी आपका फर्स्ट कॉलम है, अब सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, थोड़ा गैप गैप में दे रहा हूं, वही दिख रहा हूं, आप जैसे दिख रहे हो आप भी देखो। फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी हो गई, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, 6 कॉलम, 6 कॉलम बनाएंगे, ठीक है? करना क्या, समझना, फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी हो गई, सेकेंड कॉलम से आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, पेयर बनाना है फ्रीक्वेंसीज के। तो सेकेंड कॉलम का जो पेयर होता है वो होता है 1+2 का पेयर, फर्स्ट और सेकेंड फ्रीक्वेंसी को आपको ऐड करना होता है, फिर आगे ऐसे दो दो के जितने पेयर बना पाओ बनाओ। थर्ड कॉलम जो होता है, थर्ड कॉलम जो होता है आपका, वो होता है 2+3 का, 2+3 का मतलब सेकेंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड फ्रीक्वेंसी का पेयर बनाओ, फिर आगे ऐसे जितने दो दो के पेयर चलते जाए। फोर्थ कॉलम होता है 1+2+3 का, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, 6+7+21, फिर आगे ऐसे तीन तीन के जितने पेयर बने बनाओ।
फिफ्थ कॉलम 2+3+4 का और सिक्स कॉलम 3+4+5 का। आप सब लोग इतना नोटिंग करो भैया, पहले आप लोग सब लोग इतना नोटिंग करो। हो जाए तो बताना सर, इतना हम लोग ने नोट कर दिया है। बहुत ध्यान से देखना सीखना, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन बनाए, नीचे क्वेश्चन के ऐसा टेबल बनाना और ऐसे दिखना जैसे मैंने दिखा। ये बन गया आपका 6 कॉलम का, ये आपका, उसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ के टेबल बनाना। टेबल में जो क्वेश्चन में एक्स वैल्यूज दिए वो लिखना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, टोटल लिखना। मैंने साइड में लिखा है क्योंकि मैं ऐसे ऊपर करूंगा तो गायब हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन के नीचे लिखना, यहां पर जस्ट 2 लाइन छोड़ के ये टेबल बना दो। बन जाए तो बताना सर, टेबल भी बन गया हमारा, टेबल भी बन गया। हो जाए तो बताना। बाकी लोग का हैंड रेस करो, इतना बन गया है क्या? इतना बन गया तो हैंड रेस कर देना, टेबल बन गया। अब सुनो, तुम फर्स्ट कॉलम देखो, बड़ी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है? फर्स्ट कॉलम देखो, बड़ी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है? 21 बड़ा है और 21। तो जिन जिन वैल्यूज को 21 मिला है उनके सामने आप फर्स्ट कॉलम में टेबल में टिक दे दो। फर्स्ट कॉलम यहां से मैच करें, हमारे फर्स्ट कॉलम में जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू को हम देंगे मार्क। तो एक बड़ी फ्रीक्वेंसी 15 के सामने है तो 15 को एक मार्क दोगे, और एक बड़ी फ्रीक्वेंसी 21 के सामने है, 30 के सामने है तो 30 को एक मार्क दो। आपको यहां देखकर, इस वैल्यूज में देखकर टेबल में मार्किंग करनी है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम देख रहा हूं, ये कॉलम देखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज किसके किसके सामने, 15 के, 32 के। तो टेबल में 15 को एक पॉइंट दिए, 30 को एक पॉइंट दिए, कॉलम वन का काम खत्म हो गया। अब आगे सुनो, कॉलम टू पे आते हैं, पेयर बनाना है फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, सेकंड है 7, 6+7 13 होता है। और ऐसे दो दो के जितने पेयर बन पाए आगे बना दो तुम। 21+9 30, 2+21 23। आगे और पेयर बन पाएगा क्या? जवाब है नहीं, 4 के नीचे तो कुछ नहीं है। अब आप देखो इन तीनों में से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, तो इन तीनों में सबसे बड़ी 13, 23 और 30 में 30 है। 30 क्या मिलाकर बना? 21 और 9 को मिलाकर बना। उसके सामने क्या क्या वैल्यू है? 15 और 20। तो आपको क्या करना है, अब यहां पर सेकंड कॉलम में 15 को एक पॉइंट देना है और 20 को एक पॉइंट देना है। कारण इसलिए क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी के पेयर का टोटल सारी फ्रीक्वेंसीज में सबसे हाईएस्ट है। ऐसा करने पर सेकंड कॉलम का काम खत्म हुआ। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, सेकंड कॉलम 1+2 का पेयर है आपका। तो 1+2 आपने कैसे किया? फ्रीक्वेंसी के पेयरिंग करी, 6+7 वर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6, सेकंड है 7, 6+7, फिर आगे दो दो के जितने पेयर बन पाए। अब सारे पेयर बना लो, जिस पेयर को हाईएस्ट मार्किंग मिल रही है उनके वैल्यूज को आप एक एक मार्क दे दो। अब आप थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे हमें 2+3 करना है। 2+3 मतलब सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाने हैं। तो अपने पेयर कैसे कैसे बन रहे हैं यहाँ पर? 2+3 का मतलब है सेकंड फ्रीक्वेंसी 7 है और थर्ड है 21। फिर आगे और दो पेयर बन सकते हैं, 9 और 2 का, और नीचे 21 और 4 का दो बन सकता है। इतने दो दो के पेयर बन सकते हैं। तो कितना कितना आ रहा है? 21+7 करने से हो रहा है तुम्हारा 28, और 9+2 11, 21+4 करने से तुम्हारा आ रहा है 25।
अब तीनों में देखोगे तो सबसे बड़ा क्या है तुम्हारा, तुम्हारा सबसे बड़ा है 28। तो 28 क्या मिलाकर बना, 7 मिलाकर बना, 21 मिलाकर बना। तो किन किन वैल्यूज को मैं पॉइंट दूं, उनके सामने वाली वैल्यूज को, मतलब थर्ड कॉलम में 10 को एक पॉइंट मिलेगा और 15 को एक पॉइंट मिलेगा, तीन कॉलम का किस्सा खत्म हो गया। अब आता हूं मैं चौथे कॉलम पे, चौथे कॉलम में मुझे क्या करना है, पेयर बनाना है 1+2+3 का, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, और आगे फिर देखेंगे जितने तीन तीन के पेयर बन सके। तो मैं 1, 2, 3 को प्लस करता हूँ 6, 7 और 21 को, तो ये मेरा कितना आ रहा है, और आगे 9, 2 और 21, इतने पेयर बनेंगे और नहीं बन पाएंगे। तो 6, 7 और 21 को करूंगा तो ये मेरा होगा 34, 34 ही होगा ना यार, हाँ। और 21, 2 और 9 को करूंगा तो ये मेरा होगा 32। तो दोनों में से क्या बड़ा है, तो दोनों में से बड़ा है 34। तो 34 क्या मिला के बना, 6, 7, 21। तो तीनों के वैल्यूज को आप फोर्थ कॉलम में एक एक मार्क दे दोगे, 5 को एक मार्क दे रहे हो, 10 को एक मार्क दे रहे हो, 15 को एक मार्क दे रहे हो। अब आ जाओ फिफ्थ कॉलम में, आप जब फिफ्थ कॉलम में आए तो फिफ्थ कॉलम क्या है, 2+3+4 है, 2+3+4 का यहाँ पे मतलब है सेकेंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, 2+3+4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसका पेयर बनाना है। और ऐसी और तीन का नीचे बन पाए तो वो भी बना दो, तो हाँ बन जा रहा है, बना दिया अपन। तो कितना कितना आ रहा है अपना, ये ऊपर आ रहा है 37, 21+7+9 को एड करने पर, और नीचे आ रहा है 27। तो दोनों में क्या बड़ा है, अगेन 37 बड़ा है, क्या मिलाकर बना, 7, 21 और 9, तीन चीजों को मिलाकर बना, 7 को, 21 को और 9 को। तो एक मार्क यहां पर किसको मिल जाएगा फिफ्थ कॉलम में, 10 को, एक मार्क मिल जाएगा 10 को, एक मार्क मिल जाएगा किसको, 15 को, और एक मार्क मिल जाएगा किसको, 20 को। लास्ट कॉलम बोल रहा है 3+4+5 की फ्रीक्वेंसी का पेयर बना दो, तो बना देते हैं। थर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 21+9+2, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3+4+5, आगे ऐसे और तीन पेयर बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 32, बस अकेला है, तो यही आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई सिक्स्थ कॉलम की। क्या मिलाकर बना, 29, 21+9+2, तो एक मार्क आप दे दो किसको, 15 को दे दो, एक मार्क आप 20 को दे दो, और एक मार्क किसको दे दो यहाँ पे, 25 को दे दो। अब टोटलिंग देखो, 5 को कितने नंबर मिले, एक, 10 को 3, 15 को 6, 20 को 3, 25 को 1, 30 को 1, 35 को कुछ नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, 6 को मिला, 6 नंबर मिला 15 को, तो यहाँ पर तुम्हारा मोड जो है वो 15 है, जो तुम्हारा मोड है वो 15 है यहाँ पर। क्योंकि जब आप टैली करें तो टेबल में सबसे ज्यादा मार्किंग जो है 15 को मिली, हर बार कोई बड़ी फ्रीक्वेंसी आई तो 15 उसका हिस्सा बना ही बना कहीं ना कहीं। आपका ये नोटिंग हो जाए तो आप बताना सर, नोट कर दिए हम लोग, ये हो जाए तो बताना, नोटिंग हो गई आपकी। स्क्रीनशॉट दे दो बाकी लोग, बेटा इसकी नोटिंग आपके पास होनी चाहिए। डन, एक और क्वेश्चन बना के आपको देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस पे। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट मोड, आपको एक्स वैल्यूज दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, और आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 3,
8, 2, 1, 8, 4। अब हो क्या रहा है यहां पर बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जो है बड़ी बड़ी है, तो अपने को करना ही है ये, फर्स्ट कॉलम अपना फ्रीक्वेंसी हो गई, अब उसके आगे और कॉलम बना दो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। सर कैसे पहचानेंगे कि अपने को यही क्वेश्चन बनाना है, तो देख लेना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दोनों की अगर दो सेम हो गई या रिपीट हो गई तो मोड निकालने में आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। और साइड में आप बना दो भैया यहाँ पे टेबल, आप अपनी कॉपी में नीचे साइड में बनाना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अपनी एक्स वैल्यू कितनी कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये है, और आपके टेबल फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, और ये टोटल का कॉलम। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट कॉलम में मैं किसको किसको पॉइंट दूं, ये आप मेरे को बताओगे, फर्स्ट कॉलम में मेरे को पॉइंट किसको किसको देना चाहिए ये बोलो आप, यहां पे टेबल में फर्स्ट कॉलम में पॉइंट किसको किसको दूं मैं, यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके किसके सामने है, 4 के सामने है और 10 के सामने है, तो मैं यहां पर एक पॉइंट दूंगा 4 को और एक पॉइंट दे दूंगा 10 को, एक पॉइंट 4 को दे दूंगा और एक पॉइंट 10 को दे दूंगा, क्योंकि दोनों के सामने ही हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब मैं जब सेकंड कॉलम में जाऊंगा तो मेरे को क्या करना है, 1+2 फ्रीक्वेंसी के पेयर बनाने हैं, तो कितना कितना होगा, ये हो गया हमारा 1+2, आगे और दो दो के जितने पेयर बन पाए बना लो, कितना कितना आ रहा है, 8, 3, 11, 2, 1, 3, 8, 4, 12, तो बताओ सेकंड कॉलम में पॉइंट किसको किसको मिलेगा, सेकंड कॉलम में पॉइंट किसको किसको दिया जाए, फटाफट बोलो आप, सेकंड कॉलम में ये जो मेरा सेकंड कॉलम है इसमें किसको किसको पॉइंट दूं मैं, आप बताओ मेरे को, बोलो बोलो बोलो, अब यहां पर आप देखोगे सेकंड कॉलम में तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा जो पेयर बन रहा है वो 12 का बन रहा है। ठीक है, तो 12 का अगर पेयर बन रहा है तो उसके सामने वैल्यूज क्या क्या है, 10 है और 12 है, तो यहां पे मुझे एक नंबर देना होगा 10 को और एक नंबर देना होगा 12 को। ठीक है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है पेयर बना के, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसके सामने पड़ रही है, तो 12 यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है सेकंड कॉलम में, किन वैल्यूज के सामने पड़ रही है, 10 के 12 के, तो एक मार्क 10 को दो, एक मार्क 12 को। थर्ड कॉलम की बात करते हैं अपन, थर्ड कॉलम क्या बनता है, 2+3 का बनता है, 2+3 का मतलब क्या है, यहां पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी थर्ड फ्रीक्वेंसी को प्लस करो और आगे फिर जितने दो दो के पेयर बना सकते हो बना लो, तो मैं 8+2 को यहाँ पे ऐड कर दिया सेकेंड और थर्ड, और आगे एक और दो का पेयर बन पा रहा है, आखिरी में 4 के नीचे कुछ नहीं है तो पेयरिंग हो ही नहीं पाएगी, ये हो रहा है अपना 10 और ये हो रहा है 9, तो दोनों में से बड़ा क्या है इसमें, 10 बड़ा है, 10 क्या मिलाकर बना, 8 और 2 को मिलाकर बना, तो उसके सामने वैल्यूज क्या क्या है, 4 है और 6 है, तो यहां पर मैं थर्ड कॉलम में एक नंबर दूंगा 4 को और एक नंबर दूंगा 6 को, बनता है। ठीक, अब बारी आती है फोर्थ कॉलम की भैया, फोर्थ कॉलम क्या मिलाकर बनता है, 1+2+3 के पेयर, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकेंड थर्ड, फिर आगे जितने तीन तीन के पेयर तुम बना सको, पहले दूसरे जैसे पेयर बनते, जैसे दो का पेयर है तो आगे भी आपको दो दो के बनाने होते हैं, जैसे 1+2+3 है तो तीन का पेयर है तो आगे भी तीन तीन के पेयर निकालने होते हैं, तो कितना हो रहा है ये, ऐसे करें अपन 8+2, 3+8+2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और फिर नीचे और तीन का बन पा रहा है तो वो भी बना देते हैं, 8, 2, 10, 13 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, और नीचे 8, 4, 12, 1 ये भी 13 हो रहा है, बहुत खूब। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम बोलते हैं दोनों ही हाईएस्ट है, अब दोनों ही हाईएस्ट है तो जितने भी वैल्यूज है भाई, पहला 13 क्या मिला के बना, 3, 8, 2, दूसरा 13, 1, 8, 4, सारी वैल्यूज को चौथे कदम में एक एक नंबर आप दे दो, 2 को भी दे दो, 2 को भी दे दो, 4 को भी दे दो,
सर किसी क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। 6 को भी दे दो, 8 को भी दे दो, 10 को भी दे दो, 12 को भी दे दो, सबको नंबर दिए क्योंकि मैच कर गया भाई, इक्वल आ गया। पांचवा कॉलम क्या बनेगा अपना? पांचवा कॉलम बनेगा 2 + 3 + 4 का कॉलम, ठीक है। 2 + 3 + 4 का कॉलम मतलब क्या? सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, और आगे ऐसे तीन का पेयर बन सकता है? जवाब है नहीं। नीचे 8 और 4 ही है, दो वैल्यू है, और तीन का पेयर नहीं बना सकते, तो कितना हुआ ये? 11, सिर्फ एक वैल्यू, तो एक गोला क्या मिलाकर बना? 8 को 2 को और 1 को, मतलब किसको किसको नंबर देंगे अपन? 4 को 6 को और 8 को नंबर देने वाले अपन, ठीक है। तो एक नंबर 4 को दे दिए, एक 6 को दे दिए, एक 8 को दे दिए। आखिरी कॉलम, छठवा कॉलम क्या मिलाकर बनता है? 3 + 4 + 5, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 2 है, 1, 8, 11, ठीक है। तो अब इसको करोगे तो इसमें भी ये आ रहा है, 11 है ये इसमें, ठीक है। तो किसको किसको नंबर देंगे? 2, 1, 8 क्या मिलाकर बना? तो एक नंबर मिल जाएगा तुम्हारा 6 को मिलेगा, एक नंबर 8 को मिलेगा, एक नंबर तुम्हारा 10 को मिलेगा, एक नंबर 10 को मिलेगा, 6 को 8 को और 10 को एक एक नंबर मिला, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप ग्रैंड टोटल जैसे करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है 2 का 1 आ रहा है, 4 का कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 6 का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 8 का कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 10 का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और 12 का कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब आप देखोगे कि यहां तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि तीन नंबर का इक्वल आ गया, तो फिर इसमें क्या किया जाता है? नंबर विच इज हाइएस्ट, जो नंबर सबसे बड़ा है उसको मोड मान लिया जाता है, मान लिया जाता है मतलब उसे मोड लिया जाता है। तो अगर 4 का भी टोटल 4 आ रहा है, 6 का भी टोटल 4 आ रहा है, और 10 का भी टोटल 4 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, तो आपका मोड यहाँ पर क्या आएगा? 10 आएगा। तो याद रखना, कभी अगर टैली में टोटलिंग इक्वल हो जाए तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको मोड मानते हैं, मानते हैं मतलब वो आंसर होता है। ये वाला क्वेश्चन बना दो, एक बार नोट डाउन कर दो, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। हो जाए तो बताना। हो जाए तो बताना बेटा। हो गया। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, मेरे को ग्रुप में आप सब इसका आंसर बताना। कैलकुलेट मोड, एक्स वैल्यू आपको दी हुई है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 1, 2, 3, 16, 4, 16, 10। आप इसका मुझे एक बार मोड निकाल के दिखाना ग्रुपिंग मेथड से, और मैं सबसे आंसर पूछूंगा इसका, मेरे को आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप। टुमारो, टुमारो मतलब कल होता है, कल आप मोड का टेस्ट दे रहे हो, कल मोड का टेस्ट है, लाइव रहेगा, बनाना, स्कैन करके भेजना। मेरे को 9 बच्चों की कॉपी मिली है टोटल, बाकी क्या कर रहे हो? टेस्ट बना के देना भी है, ये क्वेश्चन लिख दो, ये मेरे को बना के देना, नहीं बने तो पूछ लेना सर ये नहीं बन रहा है, बता दो और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
हो गया, गुड। कल मिलते हैं टेस्ट के साथ, ये आप पढ़िए।